यहाँ पे ग्रीन इसलिए आ रहा है, शायद वन प्लस के फोन में ग्रीन लाइंस ज्यादा आती हैं। ऑलराइट, हियर आर गाइस वन प्लस नॉट सी थ्री। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस फोन के लिक्विड टेस्ट से। अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ पे 70 लीटर्स वाटर रखा है और परफेक्टली वर्किंग फोन है। इसको हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पे इन 3, 2, 1। थोड़ा इसको सेंटर में कर देते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 5 मिनट का ट्रेस करेंगे, जस्ट कैजुअल। फोन में कोई भी ऐसी ऑफिशियल आईपी रेटिंग नहीं है तो ये चीज़ आप ट्राई मत करिएगा, मे बी आपका फोन खराब हो सकता है। हम तो यहाँ पे जानबूझ के टेस्ट करते हैं। वैसे वन प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड सुपर इंप्रेसिव है नहीं वाटर के टर्म में, लाइक मोस्ट ऑफ द बजट फोन्स तो पास हो जाते हैं, लेकिन आपको याद होगा वन प्लस 8 प्रो जो कि आई बिलीव IP68 सर्टिफाइड था, जब हमने उस पर फ्रीज टेस्ट किया था तो उस फोन में लिक्विड चला गया था। ऑन द अदर हैंड जब हमने एप्पल सैमसंग के और LG के सारे फ़ोन टेस्ट किए हैं जिसमें सेम IP सर्टिफिकेशन है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम उन फ़ोन के साथ नहीं हुई। फ्रॉम दैट डे मैंने वन प्लस के फ़ोन पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। फिलहाल तो फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है, कैमरे लेंस से भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है। लेट्स टेक द सिम ट्रे आउट। सिम ट्रे पे एक वाटर ड्रॉप ऑलरेडी नज़र आ रहा है, दैट मीन्स लिक्विड डेफिनेटली फोन के अंदर तो गया ही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट यस कुछ विजिबल ड्रॉप्स हैं, आई बिलीव 10-20 तो मैंने ही देख लिए हैं। तो सर्टेनली फ़ोन के अंदर लिक्विड जा सकता है, तो क्लियरली आपको इस फ़ोन को लिक्विड से तो दूर रखना ही चाहिए। हू नोस, क्या पता समडे यहाँ पे कुछ पिंक और ब्लू लाइन आ जाए और वन प्लस आपके इस फ़ोन को वारंटी में क्लेम ना करे, कहीं आपने फ़ोन को शायद गिरा के डैमेज कर दिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे पिंक लाइन आ चुकी है। एज एक्सपेक्टेड इस फोन में कम्प्लीटली प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए बिकॉज इट्स ए प्लास्टिक वन प्लस सी फोन, जनरली ऐसे ही होते हैं। रिमेंबर वन प्लस नॉट सी टू लाइट किस तरीके से फेल हो गया था बेन टेस्ट में, होपफुली यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो। ऑन द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट प्लास्टिक जैसे मैंने बोला था। अगर आप ब्लू कलर पे जाते हैं तो होपफुली यहाँ वहाँ पे ब्लू कलर इनसाइड में मिलना चाहिए, बट यहाँ पे फिलहाल ऐसा ही है। ट्राई द बटन्स, बटन भी कम्प्लीटली प्लास्टिक के हैं। व्हाट अ शेम, 27-28 हज़ार का फ़ोन है और यहाँ पे बटन मेटल फ्रेम व्रेम सब कुछ कम्प्लीटली प्लास्टिक है और बटन इजली कट भी जा रहे हैं बट बाहर नहीं आ रहे हैं, दैट्स ए गुड पार्ट सो फॉर। ऑन द बॉटम कोई भी हेडफोन जैक नहीं है, रिमेंबर नॉट CE2 जहाँ पे ये बोला गया था एवरीथिंग यू नीड नथिंग यू डोंट नीड, वहाँ पे हेडफोन जैक था लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हट चुकी हैं। ऑन दी वेलकम यहाँ पे IR ब्लास्टर है इन केस आप यूज़ करते हैं, मैंने आज तक वो यूज़ नहीं किया, सो फॉर मी इट्स अ वेस्ट। सिम ट्रिम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी SD कार्ड, वाओ बैक टू द बेसिक, यहाँ पे SD कार्ड आप लगा सकते हैं, कूल। दो सिम कार्ड या एक सिम कार्ड प्लस SD कार्ड लगा सकते हैं, ये बढ़िया जॉब है। एटलीस्ट 28,000 में ये चीज़ें तो मिल रही हैं आपको जो कि अदर फोन्स में नहीं मिल रही हैं। गैस कैलकुलेशन यहाँ पे है, जस्ट बेसिक, कोई ऐसी वो आपको हेल्प करने वाला नहीं है। वैसे काफ़ी छोटा सिम ट्रे है, आई थिंक ये बेंड भी नहीं होगा, हो जा रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिमेंबर बचपन में ऐसे हम कागज़ का पेपर बनाते थे और ऐसे दबाते थे तो ऐसे उड़ जाता था, मेढक बनाते थे, क्या आपने कभी बनाया है ऐसे? कचूमर निकल गया सिम ट्रे का, लेकिन ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है और परफेक्टली वर्क करना चाहिए। यप, होपफुली सिग्नल भी आना चाहिए। बैक टू द बैक पैनल, वन प्लस कंप्लीट प्लास्टिक बैक पैनल है,
काफ़ी इजीली स्क्रैच ले सकते हैं। बट गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं लग रहे हैं। अगर कोई शार्प मेटल ऑब्जेक्ट या वुडन ऑब्जेक्ट इससे कॉन्टेक्ट में आएगा तो आसानी से स्क्रैच ले जाएगा। लेट्स ट्राई, अगर हम बेसिक आइटम जैसे कि कीज़ से तो फिलहाल कोई ऐसा मेजर स्क्रैच नहीं आ रहा, लेकिन कुछ फाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट से मार्क्स आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं प्लास्टिक बैक पैनल के, बट इवेंचुअली यू नो कि ड्रॉप टेस्ट में ये ज़्यादा बेटर होता है। एंड हाउ अबाउट द बिग कैमरा मॉड्यूल, जो कि नियरली वैसा ही दिखने में है जैसे कि वन प्लस नॉट 3 में था, नॉट सी 3 लाइट में था एंड नॉट सी 3 में भी है। आई थिंक यहाँ पे शायद मेटल होना चाहिए। यस, इट्स एन एल्युमिनियम मेटल। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये पोर्शन ऑलवेज ओपन रहता है, आप चाहे केस लगाएं या ना लगाएं। उस सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नज़र नहीं आते हैं, अगर लग भी जाते हैं तो। एलईडी फ्लैश का सेपरेट कटआउट बना हुआ है, इन केस आपको ऐसा कोई डिज़ाइन फील हो तो आप क्लियरली जान सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक का पैनल है, बिकॉज ग्लास में जनरली ऐसा कटआउट होता नहीं है। ये पीस ग्रिल काफ़ी टाइनी है और ये इतना स्लिम है कि कीज़ इन क्वाइंस यहाँ पे डेफिनेटली अंदर नहीं जा पाएंगे और कॉल की क्वालिटी में भी कोई इश्यूज नहीं आने वाली है। स्पीकिंग अबाउट दी ग्लास क्वालिटी ऑन द डिस्प्ले साइड, अगर हम मोस्ट केस ऑफ हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे स्क्रैच के पैटर्न क्वाइट यूजुअल है, जैसा मिलना चाहिए। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है एंड लेवल 6 पे स्क्रैचेस थोड़े से डीपर हो गए हैं और 7 पे और ज़्यादा डीपर होते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि कीज एंड क्वाइंस इस डिस्प्ले को स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। बट यस, डू रिमेंबर डस्ट एंड सैंड से ये डिस्प्ले बड़ी ही आसानी से स्क्रैच हो सकता है। ऑन द बैक साइड कैमरे ग्लास पे भी जो प्रोटेक्शन दिया गया वो भी नियरली वैसे ही जैसे कि डिस्प्ले साइड में है। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। इट्स बेटर टू यूज सम स्क्रीन प्रोटेक्टर और टेम्पर ग्लास जो मैं यूज़ करता हूँ। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। लेट्स फाइंड आउट ये AMOLED डिस्प्ले हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। आई मीन, अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, सारा दिन अपना फ़ोन पे ही गुजारते हैं, तो डेफिनेटली AMOLED डिस्प्ले में आप जानते हैं विद हीट विद टाइम थोड़ा सा AMOLED बर्न प्रॉब्लम आ जाती है। अराउंड 11 सेकेंड लगे यहाँ पे पिक्सल्स को बर्न होने में एंड आई थिंक ये रिटर्न नहीं हो रहे हैं, रिकवर नहीं हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन सी होगी, अगर मैं डार्क मोड ऑफ करूँ देन आप थोड़ा सा बेटर देख सकते हैं। मे बी अगर आप ज़्यादा एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं तो शायद आपका डिस्प्ले स्लाइटली ग्रीन हो सकता है। एंड एक और बात समझ में आई, यहाँ पे ग्रीन इसलिए आ रहा है शायद वन प्लस के फ़ोन में ग्रीन लाइन्स ज़्यादा आती हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई और ऐसा ब्राइट येलो कलर नहीं आया, जनरली ज़्यादा फोन्स में आ जाता है, यहाँ पे ग्रीन टाइप का कलर आया है। वन प्लस ने जब से ये स्क्वायरिश फ्लैट फ्रेम लिया है तब से कोई प्रॉब्लम सी आई नहीं है। नॉट सी टू लाइट में आपने देखा होगा कि राउंडेड फ्रेम था, ओरिजिनल नॉट में भी राउंडेड फ्रेम था और भी फोन वन प्लस के जो फेल हुए जैसे कि 70, उन सभी में स्लाइटली राउंडेड कर्व फ्रेम था। सो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैट फ्रेम के अगेन बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। फिर भी लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड, देखते हैं क्या होता है। इन 3, 2, 1 फोन में माइनर सा फ्लेक्स हुआ है बट एज सच कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये राउंड स्क्वायर फ्रेम फोन को ज़्यादा सॉलिड बना देते हैं, यह सेम चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है। सो ओवरऑल इन द ड्यूरेबिलिटी समरी में जिस प्राइस में ये फ़ोन मिल रहा है, आई थिंक फ़ोन तो सॉलिड है बट कंस्ट्रक्शन काफ़ी चीप टाइप का दिया गया। लाइक 27,000 28,000 में आपको ना ग्लास मिल रहा है ना मेटल मिल रहा है, इवन द बटन भी काफ़ी चीप से प्लास्टिक के हैं। अगर आप फीमेल हैं प्रॉब्लम विद दी शार्प नेल्स, शायद ये बटन्स भी विद टाइम डैमेज हो सकते हैं एंड इवन यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल आईपी रेटिंग भी नहीं है। सो दैट्स इट विद दी वन प्लस नॉर्ड सी 3
एंड गाइस आई एम नॉट श्योर कि कोई ऐसा ड्रॉप टेस्ट फिर से आने वाला है बिकॉज आई एम प्लानिंग टू स्टॉप द ड्रॉप टेस्ट सभी फोन्स के नहीं बट यस हम प्रो फोन्स करेंगे. लेट मी नो अगर आप मेगा ड्रॉप टेस्ट देखना चाहते हैं इन सभी फोन्स का जस्ट लाइक हम पहले करते थे. सी वेरी सून. हैव अ ग्रेट डे.